अमेरिका से जी पार्सल आया छोटा सा, बहुत प्यारा। चलते हैं और जाकर खोलते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। चलें जी। माशाल्लाह जी, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और जारा बीबी जो हैं दम तोड़ रही हैं चावलों। खजूरें भी माशाल्लाह हमारे विलेज में लग चुकी हैं, अभी कच्ची हैं, पक्की होंगी फिर खाएंगे। गाड़ी का एक हिस्सा जो है हमने सील कर दिया है, यह भाई लेने के लिए आए हुए हैं, और बॉडी जो है अभी बाद में सील होगी। अकबर अली, गाड़ी सील हो गई आपकी है? कौन लेके जा रहे हैं? अंतर लेके जा रहे हैं। चलें जी, अल्लाह नसीब करे इनको। चलें जी, ले चलें। सुगुना सिस्टर जी आई हुई थी, चाय शाय पी ली है, किसी काम से बुलाया था भाई मकबूल, और सुगुना सिस्टर अपना कुछ ज़रूरी काम से हमने बुलाया हुआ था। मैंने कहा चलें, बात वगैरह भी हो जाएगी, चाय शाय भी पी ली है, और शुक्रिया। मुझे लगता है कहीं जाने की तैयारी में मसरूफ है। अम्मी के घर जाना है? हाँ जी, अम्मी के घर जाना है। तो आप भी तो चलेंगे ना? हाँ, मैं कुछ काम वगैरह कराता हूँ बाजार से जी। और माँ तो बड़ी खामोश है, गुमसुम बैठी है। माँ तो क्या सोच रही है मासूम फातिमा? बाबा को बाय, इधर बाय बाय कर दो बाबा को, बाय बाय कर, बाय बाय, बस वो नहीं करी। हाँ, नहीं करी, मूड में नहीं है। और जी, भाई मकबूल के साथ आई थी सुगरा सिस्टर, और ये काम पे गए हुए थे भाई मकबूल, तो अब जी जो काम था वो हो चुका है, अब जी जा रहे हैं। और शहजादा भी मोहम्मद इनाम, ये तो नशे में रहता है, ओ सोया पड़ा है, मजे में है। चलें ठीक है बेटा, हाँ शाम को आऊँगा मैं। बाजार जी मैं गया हुआ था शुक्रिया, और जो इब्राहिम है और नई दुल्हन साहिबा जो हैं वो जा रहे हैं, अम्मी के पास दावतनामा है और कुछ सामान अम्मी ने मंगवाया है, क्योंकि वहाँ पर विलेज में सामान नहीं मिलता, हमें भी बाज़ार जाना पड़ता है, तो ये अब सामान सेफ कर लेते हैं, जिस तरह ही फिर जाएँगे ये साथ लेकर जाएँगे। चलें, इसको संभाल के रख दो, बोतल को फ्रिज में रख दो जी। कितनी देर है जाने में? बस वो इब्राहिम ने लगाया, हम तो ओके हैं। चलो ठीक हो। और अलिया सने नहाने। हाँ जी, आपने? भाई आता है, फिर मैं भी ना। चलो ठीक हो गया। मातो, आप तैयार हो गई हो? आपने जाना है नानों के घर, दादो के, सॉरी दादो के जाना है। प्यारे तैयारी हो, चलना है? चलो बाय करो, बाय करो, सलूट मारो, आप भी कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय। शुक्रिया जी, जो नई सिलाई मशीन ये परचेज की थी बाजार से, कोई सिलाई वगैरह कर रही है, क्या कर रही हो आप इससे? ये ना जो कुर्ती है ना जरा की शरारे की, हाँ जी, तो फिटिंग वगैरह ना फिटिंग कर रही हूँ। सही है जी, तैयारी हमारी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अम्मी जी के घर, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, सारे मोटरसाइकिल पर बर्जमान हो चुके हैं, शुक्रिया भी तैयार हो चुकी है, इब्राहिम भी, अली हसन भी, और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मेरी क्या तैयारी, अपनी तो तैयारी तैयारी है। अब तीन दिन हो गया वही कपड़े पहने में। हाँ जी, तीन दिन हो गया वही कपड़े पहने में। हाँ, बस आज करूँगा चेंज आकर शाम को, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अजानों का टाइम हो चुका है, अजानें आ रही हैं, कैमरा बंद करते हैं और अम्मी की तरफ रवाना होते हैं। चलें जी, चलें मातो, बाय बाय करो प्यारे, वो जिंदाबाद। चलें जी, अम्मी जान इंतज़ार में ही है, कैमरे का रिजल्ट थोड़ा सा काला काला आपको नज़र आ रहा होगा, माजत करते हैं क्योंकि इनकी दरख्तों की छांव भी होती है ना, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। उठाएं जी इन्हें, हैदर को प्यारे को आगे से उतारें अम्मी जी। बिस्मिल्लाह। हाँ ये तो तुझे जाप ही। चलो जी, वो ठीक हो अम्मी जी? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत से ठीक है। माटो आप ठीक हो ना? चलें जी। अच्छा, शापर उतारने खड़ा भी उनको तो मिलना है, मैं मोटरसाइकिल को ऊपर ले जाऊं, गर्मी बहुत है। और जी, अम्मी ने जो सामान बोला था वो भी हम साथ में लेकर आए हैं, चिकन बोला था अम्मी ने, बर्फ और दूध और बोतल बोली थी, और ये वाला सामान शुक्रिया, उतार लो ये वाला सामान, बोतल वगैरह गर्म हो जाएगी। बर्फ साथ में क्या आए हुए हैं? हाँ सही है ना, इधर नहीं है ना बर्फ का मसला मसाइल है। ओए होए होए, इतनी गर्मी है अम्मी, बुरा हाल हो बहुत गर्मी है। आ बेटे, चलो जी, आजा सारा, चलो भाई चलो, गर्मी हो रही है, प्यारे आप भी चलो। और आते साथ ही जी शुक्रिया लग गई अपने कामों को, बर्फ़ जो है कूलर में डाली जा रही है, ठंडा पानी जो है बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जी प्यारे बहन भाइयों, एक बहुत ही प्यारी हमारी सिस्टर हैं, उनकी सासू माँ हैं, और उनका नाम है शहनाज, मैं बीबी होगा या अम्मा जी हैं,
शनाज उनका नाम बताया गया है, तो वो बीमार बहुत हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक अम्मा जी जो शनाज हमारी माँ जी हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, उनको अल्लाह पाक सेहत वाले लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और सब जो बीमार हैं सबको अल्लाह पाक शिफाए कामला ता फरमाए। और सईद अंकल हैं यूके में रहते हैं, वो भी उनकी आँख का मसला है, आपने उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका खैरियत से ऑपरेशन हो जाए। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन शायदा सिस्टर, तो हमारी जो माँ जी हैं उनके लिए भी दुआ करनी है आपने, अल्लाह पाक उनको भी सेहत वाली लंबी जी, पूरा उम्मत मुसलमान के लिए हमने दुआ करनी है। और दुआ भी जब कबूल होती है जब सबके लिए दुआ की जाए, अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, जो परेशान है परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी हमारी जो बोतल है ठंडी की जा रही है और इसमें मिलावट कर दी गई है बर्फ़ की, क्योंकि फ्रिज यहाँ पर होता नहीं, फ्रिज होता तो फिर ज़ाहिर बात है फ्रिज में रख देते ठंडी हो जाती, लेकिन यह है कि चलें गुजारा तो करना है, वक्त का तकाजा है। प्यारे को दे दो, प्यारे को जल्दी लगी हुई है, अम्मा आपको दे दो। इधर लिए सन गोश्त धो रहा है चिकन, मैंने लिए सन को कह लिया सन आप चिकन धोए, हम ना चूल्हे पे ना जो रेसिपी बनानी है वो रेसिपी बनाते हैं। इसने फिर नौनी को कहा इब्राहिम को, भाई आप नलका चलाओ मैं गोश्त धोता हूँ, ऐसे ही है ना? हाँ जी। और अच्छा अच्छा धोना है गोश्त, पका के खिलाओगे? पुलाव बनानी है, चलो फिर बना दो आप पुलाव। चलो ठीक है, फिर हम मसाला बना के देते हैं आपको, बनाओ फिर आप। ये सुनिए गट्टू में क्या कर रहे हो? चावल चेक करूंगी कितने हैं। कितने हैं फिर ये चावल? तकरीबन 2 किलो हैं। 2 किलो है, ये कौन से चावल है पता है आपको? ये कच्ची बांसपति है मेरे। कच्ची पक्के भी मार रहे हो आप? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दांत भी दर्द करते हैं। इधर ज़ारा मसाला बना रही है, टमाटर काट रही है और शापर में हरी मिर्चें हैं, इधर लहसुन प्याज और सूखी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ज़ारा सारे टमाटर काटोगे? हाँ जी। और ये मिर्चें? मिर्चें भी सारी डालेंगे, मिर्चें भी सारी डालेंगे। चलें फिर ठीक है। हाँ जी भाभी जी क्या कर रहे हो? मैं ये चावल साफ करने लगी हुई हूँ, तो अम्मी के घर आए हैं, तो आपको पता है अम्मी के घर आते हैं तो हम खुद ही करते हैं और पकाते भी खुद ही और खुद ही खाते हैं और अम्मी और को भी साथ खिलाते हैं। सही है, क्योंकि अम्मी पे इतना काम नहीं होता, तो हम जब आते हैं हम खुद ही करके और पकाते भी हैं, सारा काम करके हम खुद ही खाते भी हैं। सही। हाँ जी अम्मी जी आप पतीला क्यों धो रहे हैं? चावल पका रहे हैं आप मेहमानों वास्ते। चावल बना रहे हैं? हाँ जी। सही है, तो ये देखें जी ये पतीला धुल चुका है, तो ये देखें मम्मा जी चावल धो रही हैं। हाँ जी चावल मैंने अच्छी तरह साफ कर लिए हैं, अब मैं धो रही हूँ चावलों को अच्छी तरह। और अम्मी जी ने दावत की थी ज़ारा की, तो फिर अम्मी जी ने कहा शुक्रिया बेटे आप भी आ जाना ज़ारा के साथ, भाई खाना वगैरह बना लेना, तो भाई ज़ारा को पता नहीं बना नहीं आएगा भाई लकड़ियों पर या नहीं आएगा, क्योंकि ज़ारा जो है ना गैस पर बनाती है, अभी उसको आदत नहीं है लकड़ियों की, इसलिए फिर अम्मी ने मुझे भी साथ बुला लिया, तो मैं अब बना रही हूँ चिकन वाले चावल। है पानी पीना है? अच्छा करो ये गिलास लो नलके में से पी लो, ठीक है? है ये नीचे करो ना, क्या कह रहे हो? खत्म हो गया? नहीं पानी खत्म तो नहीं हुआ, नलके में कोई पानी खत्म होता है? हाँ उधर नलके में से लेना है। चलो जाओ वो फिजा पी को नलका चलाया गया पानी लेना, ठीक है? इधर देखो, बाय बाय करो। पतीला मैंने चूल्हे पे रख लिया, घी भी डाल लिया। फिजा बेटा वो प्याज लेके आओ, घी जैसे गर्म हो गया तो अभी इसमें हम डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज हमने डाल लिया है, प्याज को हमने ब्राउन कर लिया। अब चिकन डाल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज मैंने ब्राउन करके चिकन भी मैंने फ्राई कर लिया है, और चिकन की अच्छी तरह बनाए करके मैंने मसाले भी शामिल करके मसाले से बनाए कर लिया है। अब इसमें डालते हैं पानी, जैसे पानी हमारा पक के तैयार हो जाएगा वैसे हम चावल इसमें डाल देंगे। और ये दुपट्टा आप देख रहे हैं, ये ज़ारा का दुपट्टा है, वो नमाज पढ़ रही है, बरीक दुपट्टे में नमाज नहीं होती, इसलिए ज़ारा ने मेरा दुपट्टा लेके वो नमाज पढ़ रही है। चाचू जी पानी भर रहे हैं, पानी
पानी हमारा पक के तैयार हो गया चिकन वाला, और अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। बिस्मिल्लाह, चावल मैंने अच्छी तरह धो लिए थे। माशाल्लाह जी, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और ज़ारा बीबी जो हैं दम तोड़ रही हैं चावलों का। माशाल्लाह जी, चिकन वाले चावल ज़बरदस्त जी तैयार हो चुके हैं। अब जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हाथ धोते हैं और बैठकर खाते हैं। प्यारे चावल मिल गए हैं, अच्छे हैं ना? माशाल्लाह, किसने बनाए हैं? मामा। अच्छा, आपको भी मिल गए हैं? मेरे हैं। अच्छा, चलो मैं खा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमने खाना सबने खा लिया है, और अभी इधर ज़ारा बना रही है चाय सबके लिए। चाय पीते हैं फिर हम जाते हैं अपने घर, ऐसे ही है ज़ारा? हाँ जी। चलें जी, तैयारी हो चुकी है। मैं लेटा हुआ था और ये लगे हुए थे वीडियो बनाने में। अम्मी जान का कोई कंपनी है, पता नहीं क्या चीज़ है, वाटर फॉर लाइफ होगा लिखा हुआ आगे, मरियम जमान। देखें जी, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो नेकी करने में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ के लेते हैं। और ये नलका देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा थल्ला बना हुआ है और यहाँ से पानी जा रहा है। अम्मी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नलके की। मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा निज़ाम हो गया सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, हम तो जा रहे हैं, फिर इब्राहिम और जो ज़ारा है फिर पीछे आ जाएगी। हमने जाना है घर के मामला देखने। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दिल तो करता नहीं भजन वास्ते आपको। बस वो है ना, मैं घर के काम वगैरह भी देखने हैं ना। ठीक है ना, हम चले जाते हैं। हाँ, चलें, सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक तो नीचे उतार लो। हाँ, हट जाओ आगे से। अच्छा जी, आजी साहब हवा में बैठे हैं। आजी साहब और बकरियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। ये मुझे लगता है अहमद अली की है। हाँ जी। और ये पता नहीं, ये भी अहमद अली की है। ये बच्चा जो है छोटा बड़ा हो गया माशाल्लाह। और वो गधा आपको नजर आ रहा है, ये मोहल्लेदारों का है। गधे को जरूरी है अपने लेना। चलें? चलें। हाँ जी, चलें जैनब जी। प्यारे चलें, चलो बाय बाय करो। हाँ जी, कह दो हम जा रहे हैं घर। हाँ, दुआ करना खैरियत से पहुँच जाए। अमेरिका से जी हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने ये छोटा सा प्यारा सा पार्सल भेजा है। अब हमें नहीं पता इसके अंदर से क्या निकलेगा, तो खोलते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। और हवा भी बहुत तेज़ चली हुई है माशाल्लाह, ठंडा मौसम बना हुआ है। सारा दिन हो गया बिजली नहीं है, कोई काम भी नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली से काफ़ी सारे काम होते हैं। सबसे पहली बात यह है, बिजली की सहूलत ये होती है कि गर्मी नहीं लगती। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं और देखते हैं जी इस छोटे से पार्सल के अंदर क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। देखते हैं जी क्या चीज़ है। देखने में तो जी बहुत ही प्यारा छोटा सा सिंपल सा डब्बा है। हाँ जी, निकालें। और तो नहीं है कुछ डब्बे में? नहीं। अच्छा, चलें जी। ये दराज वालों की तरफ से जी ये पार्सल पहुँचा है, और अमेरिका में सिस्टर हैं, उन्होंने ये पार्सल कराया था। पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे भी दिन याद नहीं है। मुझे लगता है किसी खाने पीने की चीज़ें हैं इसके अंदर। जैम वगैरह। जैम है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दराज वालों की तरफ से एक बार फिर बता देते हैं, और ये 3-4 दिन में ही मेरे ख्याल पार्सल हुआ है। और सिस्टर ने पूछा था कि भाई मिला है कि पार्सल? नहीं मिला। और ये चीज़ मुझे याद आ रही है कि शायद मासूमा फातिमा के लिए ये जैम है। माशाल्लाह, हमने तो जी बाज़ारों में ये देखा था, कभी ख़रीदा भी नहीं है। चलें जी, ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं। किसके ऊपर? ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर, वाह। ब्रेड के ऊपर भी, पराठे के साथ भी, अगर रोटी के साथ खाना चाहे तो रोटी के साथ भी। अब डबल रोटी हमें लेनी पड़ेगी बाजार से? हाँ, या ऐसे खिलाना पड़ेगा? नहीं, डबल रोटी के साथ भी खा लेते हैं, पराठे के साथ भी और रोटी के साथ। बहुत शुक्रिया जी, आप ही आपने मासूम फातिमा के लिए ये चीज़ भेजी है, ताकत के लिए, क्योंकि कमज़ोर बहुत है वो। तो आपने ख्याल रखा हमारे बच्चों का। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बहुत प्यारी चीज़ है हमारे लिए ये जी। देखें, ये छोटा सा गिफ्ट नहीं है, ये हमारे लिए, आपने देखे ना हमारा, आपने इतना बड़ा दिल कर दिया है। हाँ जी। और देखें, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है, खोला है तो हमारा दिल खुश हो गया कि आपने हमारे बच्चों के लिए सोचा है। हाँ, और ये हम डबल रोटी लाएंगे बकायदा, इस पर लगा के फिर मासूम फातिमा को खिलाएंगे। आप ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नवाजिश। दादा अब्बू को भी नहला दिया है, माजद प्लीज आपने महसूस नहीं करना। कटिंग भी करवा दी है, दाढ़ी भी माशाल्लाह बनवा दी है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और शुक्रिया जी सहन में दे रही है पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा रजाक इसको पानी दे दे सहन को। हाँ, ताकि बिजली भी जाए ना, ठंडा महसूस
बिल्कुल। अब मैं जाता हूँ फातिमा सिस्टर का घर, उधर जाके जो सीन अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। चंगा उधर भी दोबारा ना, गर्मी बहुत है। अब जी आ चुके हैं फातिमा सिस्टर का घर। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक नहीं आपकी? नहीं, अभी डॉक्टर आया था, वो इंजेक्शन लगवा के गया। हाँ जी, दो तीन गोलियां खिला के गया, बाकी चार गोलियां दे के गया, शरबत दे के। मैदे में बहुत गर्मी है, कह रहे तो आपको ड्रिप लगेंगे। अच्छा, वो फिर दो ड्रिप जुम्मे वाले दिन लगवाऊंगी। अच्छा, आज काम पे गए। बुखार है, क्या चीज़ है? बुखार है और मैदे में बहुत गर्मी है, मोशन वगैरह। हाँ, गर्मी में काम जो करते हैं, सारा दिन धूप होती है, उसकी वजह से आज चेहरा भी आपका मुरझा रहा है। हाँ जी, बस अब वो, अब मैंने कहा चलो सालन बना लेती हूँ, और बना रही हूँ फुलकियों का सालन बना। अच्छा, मैंने समझा पकौड़े बना रही है, बेसन बना हुआ है। नहीं, फुलकियां। ठीक है, आप फिर आप कर लें काम। ठीक है, चाय वो चाय मैंने बना के रखी थी, फिर उसके बाद कह रहे थे भी मैं काम पे जा रहा हूँ, तो कह रहे चाय बना दो। फिर मैंने क्या सदीक के लिए ना एक प्याला चाय के रख दे, क्योंकि फिर दूध पड़ा हुआ होता है ना, तो चाय बना। पड़ी है चाय या नहीं? चाय गर्म, चले चले इसको गर्म कर दे। मुझे प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। जैसा कि आपने देखा है, सारा दिन मसरूफियत में गुजर चुका है, हाजिरी मकसूद होती है, हाजिरी लग चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।